हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएचयू कार्ड्स वाला नेहा दिस साइड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी आपका जो काउंसलिंग होने वाला है तो उस काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की थी, मैंने आपको बताया था कि आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। एक बार और आपको मैं रिमेंबर करा देती हूँ कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी एक फाइल में साथ में रख लीजिए, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखिए अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब कुछ दिनों में आपकी कट ऑफ आएगी और हो सकता है कि ये दीपावली से पहले आपकी पहली कट ऑफ रिलीज़ कर दी जाए। ओके, तो आपकी जब कट ऑफ आएगी तो उसके बाद आपको अपनी काउंसलिंग करानी होगी। डॉक्यूमेंट में आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, तो पहला आपका एडमिट कार्ड। ओके, एडमिट कार्ड आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड, जो सीयूटी का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका जो स्कोर कार्ड है वो आप अपने पास रखिएगा। नंबर थर्ड, आपने जो रजिस्ट्रेशन कराई है तो उस रजिस्ट्रेशन का आप एक स्लिप मिली होगी, तो वो स्लिप आप अपने पास रखिएगा। ओके, उसके बाद आपके पास जो है 10th और 12th का आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास आपके TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन बच्चों का गैप ईयर है, गैप ईयर इन द सेंस कि आपने 12th के बाद 1 ईयर का ड्रॉप किया है, मतलब एक साल आपने प्रिपरेशन के लिए लगा दिया उसके बाद आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए आप अंडरटेकिंग यूज़ कर सकते हो, और TC आपके पास अगर नहीं है तो इसके लिए भी आप अंडरटेकिंग का फॉर्म लगा सकते हो या फिर आप एफिडेविट लगा सकते हो। ये सब हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आप अपनी फ़ोटोज भी अपने पास रख लीजिए। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन जो आपने किया उसकी रिसिप्ट आपके पास हार्ड कॉपी में आप रख लीजिए, स्कोर कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट, TC, आधार कार्ड और आपकी फ़ोटो, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ओके, कि आपकी जो है पहली कट ऑफ जब भी आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी दीपावली से पहले आएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। ओके, क्योंकि कट ऑफ अब कभी भी रिलीज हो सकती है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।